गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो भूमि का बर्थडे कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और आज मैं और पुष्पेंद्र अराउंड 5:30 जग गए थे और हम लोगों ने शावर ले लिया है और अभी टाइम हो गया है 7 बज गए हैं, तो बच्चे भी जग गए हैं अभी और हम लोग निकल रहे हैं शिकागो के लिए। मैंने और पुष्पेंद्र ना कार में वहाँ पर बाहर कार में सामान सेट कर रहे हैं और आप भी शूज पहन रहे हो। और मैंने ना यहाँ पर डिशवॉशर वगैरह चला दिया है और रात को एक लोड लॉन्ड्री का कर दिया था, तो कुछ भी गंदा वगैरह नहीं है, तो हम लोग बस निकलते हैं। वैसे यूजुअली आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं कहीं पे तो बहुत जल्दी निकलते हैं, लेकिन क्योंकि ना कल बर्थडे पार्टी थी, फिर कल ना एंड में कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों ने काफ़ी क्लीनिंग वगैरह में हेल्प करा दी, क्योंकि सारा पार्टी फूड ये निकालो वो निकालो, फिर कंटेनर्स को वापस रखो, ऐसे ऐसे करके। तो जल्दी हो गया था, टाइमली सो गए थे कल हम, 10-11 बजे के बीच में सो ही गए थे और फिर अभी सुबह जगे हैं, तो नींद पूरी करना भी ज़रूरी है इसलिए ये हो टाइम हो गया। नहीं तो यूजुअली हम लोग 4 या 5 बजे ही निकल जाते थे लास्ट टाइम रोड ट्रिप्स पे। कैमरा भी देखती हूँ और ना आपसे ना जर्नी के बारे में शेयर करती जाऊँगी जितना भी हो सकेगा। और लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं। और ना ये पार्टी की डेकोरेशन वगैरह है ये हमने हटाई नहीं है कि ना पुष्पेंद्र ने इतनी मेहनत से लगाई थी, तो थोड़ा इसको लगे रहने देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आके करूँगी और बस सब कुछ साफ वाफ तो कर दिया है, सारी चीज़ें वॉश कर दी हैं, सब कुछ है, डिशवॉशर भी चल रहा है। सो वी आर रेडी टू गो टू शिकागो एंड गर्ल्स आर वेरी एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? आई विल मीट एवरीबॉडी। ओके, आई विल मीट ओके। सो बस पुष्पेंद्र फाइनल चेक करने गए हैं, कुछ एक सामान रहता है वो, और उसके बाद हम लोग निकलते हैं। सो शिकागो की जो जर्नी है वो टोटल 18 आवर्स की अराउंड पुष्पेंद्र बता रहे हैं, तो आज हम लोग आधा डिस्टेंस कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग मिड में एक होटल बुक करा दिया पुष्पेंद्र ने, वहाँ पे स्टे करेंगे और उसके बाद कल हम लोग जो बाकी की जर्नी है वो कवर करेंगे। सो फ्यू आवर्स हमने ड्राइव किया और मॉर्निंग में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, तो काफ़ी डिस्टेंस कवर भी किया। अभी हमने पहला ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, तो सिया और भूमि को डोनट्स खाने थे, तो हम लोग हाईवे के पास में ही डंकिन डोनट्स था वहाँ रुके हैं और एक ब्रेक जो है लेते हुए यहाँ पर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर रहे हैं, उसके बाद अगेन जॉइन द हाईवे। सो US में रहते हुए हमने काफ़ी सारी लॉन्ग ट्रिप्स की हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हाईवेज बहुत अच्छे बने हुए हैं और काफ़ी सारी लेन्स होती हैं, जगह जगह पे रेस्ट एरियाज़ हैं, तो आप जब भी टायर्ड फील करें आप ब्रेक्स ले सकते हैं, कॉफ़ी ब्रेक्स, फूड पॉइंट्स, एवरीथिंग इज़ देयर। तो इसी तरीके से हम लोग ड्राइव करते हुए अपना अगला ब्रेक लेंगे, तो लंच ब्रेक लिया है यहाँ पर और हाईवे के पास में रेस्टोरेंट था करी मंत्रा, सो किड्स वॉन्टेड टू ईट इंडियन फूड, तो हम लोग करी मंत्रा आए हैं। सो लंच के कुछ आवर्स और ड्राइव किया और पुष्पेंद्र ही ड्राइव कर रहे थे, मैं नहीं कर रही थी क्योंकि थोड़ा रश ज़्यादा था, 4th of July वीकेंड था इसीलिए। और उसके बाद फिर हमने लेमनेड वगैरह पिक कर लिया चाय कॉफ़ी के लिए, थोड़ी सी गर्मी थी सो थॉट ऑफ कि फ़्रेश लेमनेड ले लेते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट एरियाज़ में रुकते हुए यू नो एक्सपीरियंसिंग दिस लाइफ टाइम मेमोरीज़। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एज अ फैमिली ट्रैवल करते हुए पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, और एक एक पॉइंट में मैं कुछ कुछ यू नो मेमोरीज़ की पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर रही थी, फूड आइटम्स वगैरह, कुछ स्नैकिंग आइटम्स सब मैं रख के लेकर आई हूँ। सो फाइनली रीच द होटल, वी बुकड इन नैशविले। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग होटल पहुँच गए हैं और चेक इन वगैरह करके रूम में आ गए हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास खाने का सामान था उसको हमने रख दिया है फ्रिज में, और मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स देती हूँ होटल का रूम कैसा है। काफ़ी अच्छा रूम है और होटल भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, इसकी रेटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो सिया और भूमि एकदम फ्री फॉर्म में आ गई हैं, खेल रही हैं दोनों, और हम लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे। टाइमली ही पहुँच गए, एक्चुअली 6:30 तक हम लोग पहुँच गए हैं और ड्राइव काफ़ी अच्छी रही, पुष्पेंद्र ने ही पूरा टाइम कार चलाई है। यूजुअली कभी कभार मैं कुछ आवर्स के लिए चलाती हूँ, बट मेरा मन नहीं था तो मैंने बिल्कुल नहीं चलाई, तो पुष्पेंद्र ने पूरा ड्राइव किया और बीच बीच में जैसे मैंने दिखाया कि हम लोगों ने ना ब्रेक्स लिए,
तो इस तरीके की हमारी जो जर्नी है वो रही और मोर देन हाफ हमने डिस्टेंस कवर किया, हाफ से भी ज्यादा। और अब बस हम लोग रिलैक्स करेंगे थोड़ा, और हमारे पास कुछ कुछ फूड आइटम है डिनर के लिए, तो आई थिंक डिनर के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर माइक्रोवेव है, यहाँ पर एक छोटा सा किचन है, उसमें हम गर्म करके खा सकते हैं। यहाँ पर सिया और भूमि खेल रही हैं और मैं आपको क्विक ग्लिम्स देती हूँ हमारे रूम का। यह है एंट्री डोर, यहाँ से हम लोग आए थे और जैसे ही एंटर होंगे ना यहाँ पर ये किचन दे रखा है। कुछ कुछ यूटेंसिल्स भी हैं कुकिंग के लिए, जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए वो सब हैं अगर आपको ना कुकिंग वगैरह करनी है तो। ये देखो यहाँ पर सारा जो क्रोकरी है खाने पीने के लिए वो सब दे रखा है, और कुकिंग के लिए जो पॉट्स एंड पैन्स हैं वो भी दे रखे हैं यूटेंसिल्स। यहाँ पे डिशवॉशर भी है तो हम लोग डिशवॉशर ऑन कर देंगे अगर कुछ खाना पीने का होगा तो बर्तन। राइट साइड में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ वाला जो क्लोजेट है इसमें हमने अपने बैग्स वैग्स रख दिए हैं। तो यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल भी दे रखी है, दो क्वीन साइज बेड है, और यहाँ पर है बाथरूम जो कि काफी साफ सुथरा है। सो होटल पहुंचने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स किया सो दैट ट्रेवल की जो थकान है वो दूर हो। बच्चों ने तो खेलना स्टार्ट कर दिया था, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वी थॉट कि चलो होटल उसके बाहर का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। तो काफ़ी अच्छा होटल था, आसपास भी बहुत अच्छा एरिया था, तो हम लोग आसपास में थोड़ा वॉक के लिए चले गए। वापस आकर सिया भूमि थोड़ी देर टीवी देख रही हैं, मीनवाइल हमने खाना गर्म कर लिया था। कुछ खाना हम घर से बना के लाए थे, कुछ खाना लंच से बच गया था, तो इस तरीके से हमारा डिनर हो गया। अच्छा, फ्रीज़र बैग में मैं दूध भी रख के लेकर आई थी तो वो यहाँ पर होटल में बॉयल कर लिया, और सोने से पहले हमने गरम गरम दूध पिया सो दैट जो भी ट्रेवल की थकान है वो दूर हो। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो हम लोग सुबह जाके टाइमली रेडी हो गए और ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है। पुष्पेंद्र चेकआउट कर रहे हैं और मैं ना रूम में एक बार चेक कर रही थी कि कुछ कुछ रहता तो नहीं है, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं कुछ इधर उधर कुछ गिरा दिया हो, डेटा केबल चार्जर वार्जर कुछ भी, तो सब एक बार चेक कर लिया है। और यहाँ पर जो हमने कुछ भी जो इनके डिशेज यूज़ किए थे तो मैंने डिशवॉशर ऑन कर दिया है, और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आज की जो हमारी जर्नी रहती है ना शिकागो की वो कंप्लीट करते हैं। तो आज हमको 8 आवर्स की ड्राइव जो है वो बचती है, कल पुष्पेंद्र ने काफ़ी कुछ कवर किया डिस्टेंस। चलिए चलते हैं फिर। सो सुबह निकल गए थे टाइमली ही और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला तो काफ़ी डिस्टेंस कवर किया है। अभी यहाँ पर एक रेस्ट एरिया में ब्रेक लिया है। हाय एवरीवन, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं इंडियाना, और यहाँ से जो शिकागो का डिस्टेंस है वो 5 आवर्स बचता है। और पुष्पेंद्र कर रहे हैं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग और अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि उनको और भी ड्राइव करना है। सिया एंड भूमि आर प्लेइंग हेयर, और बस इसी तरीके से हम लोग इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को पूरा कम्प्लीट कर रहे हैं। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ कुछ स्नैक्स आइटम भी हम लोग लेकर आए थे जैसे बीच बीच में मंचिंग के लिए, तो अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत स्नैकिंग कर रहे हैं। ऑल्सो ये है लस्सी, होममेड दही फ्रिज में ना बची हुई थी तो हमारे पास जो थर्मल फ्रीज़र वाला बैग है उसमें हम लोग लस्सी बना के भी रख लाए थे, और अभी ड्राइविंग में हम लोग लस्सी पी रहे हैं।
सो लंच के लिए हम लोग रुके हैं सबवे में. अच्छा, इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो थोड़े हाईवे से दूर थे तो टाइम और ज़्यादा लग जाता. सो सबवे से ही सैंडविच पिक कर ली, बच्चों के लिए चीज़ पिज़्ज़ा पिक कर लिया था, और इस तरीके से हम लोग ड्राइव को इंजॉय कर रहे हैं. और शिकागो अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. रास्ते में ये ब्यूटीफुल से विंड मिल्स पड़े थे जिसको देख के सिया और भूमि बहुत खुश हो रही थी. अच्छा, इस वाले रूट पे ड्राइव करते करते मुझे अपना पुराना टाइम याद आया जब हम लोग कोविड के टाइम में एक रोड ट्रिप पे गए थे इंडियानापोलिस अपने फ्रेंड सीमा और नीरज से मिलने के लिए. तो इसी तरीके से हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज आ चुके हैं शिकागो के, और बस जर्नी को कम्प्लीट करते हुए पहुँच रहे हैं. ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं शिकागो. अपने फ्रेंड्स आदित्य एंड सौम्या के घर आए हैं हम लोग सबसे पहले, और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा फूड जो है हमें सर्व किया गया है. एक्चुअली हम देसीज की जो लव लैंग्वेज होती है वो होती है फूड, सो इट वाज यमी फूड, होममेड फूड. और उसके बाद ना आके मैंने थोड़ी अनपैकिंग कर ली है, क्योंकि ना बैग्स में ही अगर कपड़े रखे रहें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ. चेंज वगैरह किया, फ्रेशन अप हुए, एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर जर्नी. नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही आएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर.